फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम बात करेंगे कि SBI PO में 70-75 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। 70-75 नहीं कहूँगा, 65-75 इतने के मार्क्स जो हैं वो आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इस बार फिर से हाई जाने वाला है। अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा नॉर्मल रह गया तो 60 प्लस तो गया ही गया, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो 45-50 तो फिर भी जाएगा। तो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल के पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। बट एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ कि 100 क्वेश्चंस हैं और एक घंटा है, 60 मिनट है। आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, चाहे आसान है चाहे मुश्किल है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँ, मैं पिछले 6-7 साल से, इससे भी ज़्यादा क्योंकि हम लोग तो 7-8 साल से, 9 साल से मैं MCQs कर रहा हूँ, और 100 क्वेश्चंस करना मेरे बस का भी नहीं है 60 मिनट में। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भी अगर दूंगा तो मैं 80% से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वांट मेरे से बहुत बेटर है, रीजनिंग बहुत बेटर है, वो लोग भी 80% से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जो टॉपर्स हैं वो भी इससे ज़्यादा अटैम्प्ट जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा जो क्वेश्चन है वो करना है, कौन सा छोड़ना है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कभी नहीं करोगे, या एक स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा कि इंग्लिश को मैं इतना टाइम दूंगा, क्वांट को मैं इतना टाइम दूंगा, रीजनिंग को मैं इतना टाइम दूंगा। ये आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। चलिए आज इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले 100 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक सेकंड रुकिए, स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, बस इसको लगा लें। एडिट नहीं मैं करने वाला बिल्कुल इस वीडियो को। तो आपको मैं बताता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से चलेगी। 100 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट है, कैसे करना है, क्या पॉसिबल है कि आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। आपका जो आइडियल अटेम्प्ट है वो मेरे हिसाब से जो अच्छा अटेम्प्ट बनता है वो बनता है 65-75 या 65-70 पकड़ के चलिए। इससे ज्यादा अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है या पॉसिबल ही नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल मेरे से पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करें। अगर मैं रिकमेंड करूं कि कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, मैं कहूंगा इंग्लिश कीजिए सबसे पहले। चाहे आपका इंग्लिश वीक है, चाहे नहीं वीक है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, जैसा भी है, पहले आप इंग्लिश कीजिए। इंग्लिश में 10 तो एरर स्पॉटिंग आ जाते हैं और उसके बाद 10 क्लोज टेस्ट आ जाते हैं जो कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। 7-8 मिनट में आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, 20 मार्क का। तो सबसे पहले जो प्लान हमारा है, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट जो हम करेंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे। और इंग्लिश में सबसे पहले मैं करूंगा एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग हम सबसे पहले करेंगे। और एरर स्पॉटिंग आपको पता है कि एरर स्पॉटिंग में 10 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपने, 10 मार्क आपने फेच करने की कोशिश करनी है। 10 मार्क एरर स्पॉटिंग वाले बिल्कुल आपने, ये बिल्कुल सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और क्लोज टेस्ट जो आता है ये हर बार आता है, मोस्टली आ जाता है, 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं पहले 10 मिनट में। और इन दोनों जो टाइप है क्वेश्चंस की, इसको मैक्सिमम आपको 7-8 मिनट लगेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लगा के चलिए, ये 7-8 मिनट में आपका ये जो है हो जाएगा। ये दोनों 20 मार्क आपके 7-8 मिनट में हो गए। उसके बाद आपको देखना है कि आपको RC करना है कि नहीं करना। अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्या करता, एरर स्पॉटिंग और मैंने ये पकड़ा, क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट पकड़ा, 20 मार्क मैंने इंग्लिश में किए 7-8 मिनट 10 मिनट में। 20 मार्क में से मुझे
अगर आपने क्लियर करना है तो आपको 15-16 तो इसमें से लेने ही पड़ेंगे। पहले 20 में से 15-16 तो मैंने पहले 7-8 मिनट में ले लिए और मुझे थोड़ा सा शांति मिल गया कि ठीक है यार, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वांट को पकड़ लूँ। इंग्लिश का जो आरसी है वो मैं एंड में करूँ। यस, इंग्लिश की आरसी मैं कोशिश करूंगा मैं एंड में करूँ। मैं नॉर्मली जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि यार इंग्लिश में जो आरसी है उसके आप वर्ड्स देख लें पहले, उसमें सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, अगर आपको वो आते हैं तो यार 10 से 12 मिनट में आपका पूरा 23-24 मार्क का आपने एग्जाम कर दिया। कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका कि यार पहले 10 मिनट में 23-24 क्वेश्चन आ गए, अगर सही किए 17-18 आपने मार्क्स ले लिए तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप क्वांट पकड़ें। क्वांट में बताता हूँ क्या कैसे करना है। जो इसको है आरसी जो है इसको मार्क्ड एज रिव्यू कर दें, मार्क्ड एज रिव्यू इसको बाद में देखें, पहले आप अपना बाकी का जो एग्ज़ाम है वो पहले कर लें। 10 मिनट इसको आपने दे दिए, 10 मिनट आपने पहले अपने इंग्लिश को दे दिए, उसके बाद आपने पकड़ लेना है क्वांट। अभी ये क्वांट का टाइम आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। चलिए अभी आपने करना है सेकंड पे क्यूटी कर लेना है आपने। क्यूटी में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले अगर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। सीरीज अगर 5 मार्क की आ जाती है तो ये तो मान लीजिए आपको बोनस के मार्क में मिल गए, 5 मार्क आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सीरीज बहुत आसान होती है, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने 285 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया होता है जो उसी में से हर बार थोड़ा सा चेंज वेंज करके वैसे से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, और मैं उस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, और ये सीरीज़ आपने ज़रूर करनी है। सीरीज़ के क्वेश्चन मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोड़ने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी एक एक मार्क वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, ये टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, ऐसे करके आपके एलिगेशन आ जाता है, एलिगेशंस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका, उसके बाद आपका कह लीजिए पार्टनरशिप आ जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में से आपको कह लीजिए कि इसके थे 5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन आपने करने थे फिर सीरीज के, इसके फिर भी आप कह लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन तो इसमें से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 7-8 तो पकड़ के चलिए कि 7-8 तो इसमें से ही आएंगे आपको। 7-8, 7 से 10 क्वेश्चन जो है आपको इन क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ जाते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। बहुत नहीं बोलूँगा लेकिन कंपैरेटिवली DIA के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये करने थोड़े आसान रहते हैं, इंस्टेड की आप DIA पकड़ें। पहले आपको सबसे पहले ये करना है, फर्स्ट जो आपको अटेम्प्ट करना है सीरीज करना है, उसके बाद जो है आपको सेकेंड अटेम्प्ट जो है ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनको देना है। सिंप्लीफिकेशन कई बार आ जाता है, वो डिपेंड करता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जैसे कई बार आ जाता है, अगर तो अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है, वैसे तो उसके चांस बहुत कम है अप्रॉक्सीमेशन के, अगर आ जाता है अप्रॉक्सीमेशन तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये फिर आप कह लीजिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे पहले करना है क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले जाने से पहले, तो अगर आएंगे तो 5 क्वेश्चंस ही आते हैं, नहीं आते तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये आपने देख लेना है पहला, दूसरा, और जैसा मैंने आपको बताया एंड में जो है आपने डेटा इंटरप्रिटेशन पकड़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है 2 या 3 सेट आते हैं, कई बार एक भी आता है लेकिन मोस्टली 2 या 3 सेट आते हैं, 10 से 15 मार्क। आप 10 मार्क लेकर चलिए, 10 क्वेश्चन इसमें से, रफ आइडिया है 15 भी आ सकते हैं, 10, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेट होंगे। एक सेट में तो सिंपल एक टैबुलर बहुत तो अलग अलग टाइप के आते हैं, इसमें टैबुलर भी हो सकता है, इसमें आपका डबल डायग्राम है, ट्रिपल डायग्राम, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा 2 सेट अगर आए हैं 1 सेट को आप छोड़ दीजिए, 1 सेट, दूसरा सेट आप देखिए भी मत। 35 क्वेश्चन है,
तो नहीं पॉसिबल, 10 से 15 क्वेश्चन आए, इसमें से DI में 35 क्वेश्चन है। अगर 2 या 3 सेट आते हैं, एक सेट बहुत मुश्किल होगा, मैं कहूँगा कि अब वो सेट छोड़ दें। इस तरह से अगर आप देखें सीरीज के क्वेश्चन जो हैं, ये भी 1 मिनट में एक हो जाता है, 5 और 10, 10 से 12 मिनट में आपको, 10 से 12 मिनट में आप ये कर रहे हो, 10 to 12 मिनट्स में आपने ये सिंपल वाले सारे क्वेश्चन जो हैं, अगर अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है तो ऐड कर लीजिए, थोड़े से और टाइम दे दीजिए, 12 से 15 मिनट में आपने ये सारे का सारा निपटा दिया। 12 12 मिनट, एग्जैक्टली 12 मिनट मैं अगर बोलूँ, 12 13 मिनट। बाकी का जो आपका टाइम है 8 से 10 मिनट, उसमें आप कोशिश कीजिए, एक अगर 3 सेट आए हैं तो एक स्किप कीजिए, 10 मिनट आपके पास बचे हैं। अब आपने 22 मिनट देने थे, 10 मिनट आपने इसको देने हैं DI को, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 मिनट में एक सेट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं 2 कर सकता हूँ तो मैं 2 करूँगा, कोई स्टूडेंट है वो 1 कर सकता है तो उसको मैं बोलूँगा कि 1 ही करे, तीसरा क्यों कर रहे हो भाई। तो इस तरह से ये हमारी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश की मैं शेयर कर चुका हूँ, क्वांट की मैं शेयर कर चुका हूँ कि 22 से 23 मिनट देने हैं, 22 से 25 लगाइए, एक एक मिनट का हिसाब लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एक मिनट से लोग फेल होते हैं। एक एक मिनट का हिसाब लगाइए कि 12 से 10 से 12 मिनट जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आता है, 12 का मिनट आप उनको दे रहे हैं। प्रॉबेबिलिटी कई बार डिफिकल्ट, कुछ कुछ भी डिफिकल्ट दिखता है रुकिए मत, छोड़िए, आगे चलिए, रुकना नहीं है। मोस्टली मेरे हिसाब से अगर आप फंसेंगे भी तो आप DI के सेट्स में ही फंसेंगे, छोटे क्वेश्चन में तो कोई वैसे भी नहीं फंसता, 1 मार्क मिलता है, नहीं हो रहा है तो छोड़िए, 1 से 1.5 मिनट में आपने कोशिश करनी है सारे क्वेश्चन, जो जिस क्वेश्चन में 1 से 1.5 मार्क्स टाइम मिनट से ज़्यादा लग रहा है, आपको लगता है कि 1 मिनट हो गया यार ये हो नहीं रहा, छोड़ दीजिए। DI में लोग लालची हो जाते हैं कि नहीं यार मैं तो 5 मार्क्स निकलूंगा, तो वहाँ पे लोग फंसते हैं। तो अगली बात करते हैं रीजनिंग की, आइए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मैं सबसे पहले अगर मैं कहूंगा, अगर इसमें भी कई बार सीरीज आ जाती है, अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाती है, तो पहले सीरीज को तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर बाई चांस आ जाती है, चांस कम है, 0 से 5 क्वेश्चन मैं कहूंगा इसमें आते हैं, तो आती है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनइक्वालिटीज आते हैं, बहुत आसान होती है इनइक्वालिटीज, आती है तो बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल कीजिए, इन क्वालिटीज को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 0 से 5 मार्क इसमें से आएंगे ही आएंगे। रीजनिंग का वैसे कुछ पक्का नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन इन क्वालिटी आती है तो मत छोड़िए। साइलॉग आते हैं तो बिल्कुल मत छोड़िए, 0 से 5 मार्क। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट मिलेगा, ब्लड रिलेशन और क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन मिलता है, ब्लड रिलेशन के 2 या 3 होंगे, ब्लड रिलेशन के 2 से 3, मतलब ये तो आता ही आता है, ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्शन सेंस मिल जाता है टेस्ट, इसके आने हुए के हो गए तो 2 आएंगे, 1 या 2 नहीं तो बिल्कुल नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा आने के चांस नहीं होते। तो आप देख लीजिए आपके कम से कम जो है 35 में से आप पकड़ के चलिए 17 18 जो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें से आपके बन जाएंगे। एंड आपने कितना टाइम देना है इसको, कम से कम ये जो 17 क्वेश्चन है इसको आपने देना है कम से कम 10 मिनट, 10 भी छोड़िए, अगर 17 18 क्वेश्चन आए हैं तो कोशिश कीजिए 12 मिनट। आपके पास अभी दोबारा कितना टाइम बचता है, 10 मिनट। तो इसमें 10 मिनट आपने इसको दे दिए, चलिए 10 कर देते हैं इसको, 10 मिनट इसको दे दिए, और आपके पास कितना टाइम बचा, तकरीबन तकरीबन पहले 12 12 मिनट आप दे चुके हैं इंग्लिश को, 12 के बाद आपने दिया कम से कम अपना 25 मिनट दिया आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, 12 और 25 आपके 37 मिनट हो गए, और एंड में आपके अभी आपके पास 23 मिनट बचे थे, 23 में से 12 आपने फिर से इसको दे दिए और आपके पास बचे सिर्फ 11 मिनट। और पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है, मतलब टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम है। अगर
अगर दो सेटिंग अरेंजमेंट आए, एक पजल आए, तो मैं कहूँगा चलिए एक सेटिंग अरेंजमेंट अगर आप 10 मिनट में कर सकते हैं तो एक सेटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। और देखिए हम इतना तेजी से कर रहे हैं एग्जाम को, फिर भी हमारा वो आरसी छूट गया, क्या कर सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है लेकिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप। एरर स्पॉटिंग और क्लोज टेस्ट छोड़ के आरसी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। आप ये डायरेक्शन सेंस के जो छोटे से क्वेश्चन हैं जो कभी गलत नहीं होते, अगर अटेम्प्ट करते हैं ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस, एक्यूरेसी हमेशा 100% जाती है अगर आपको आता है तो, वो छोड़ के आप बड़ी बड़ी पजल्स करेंगे जिसको 10 मिनट लगते हैं। और आपका जो एग्जाम है, ये तो है नहीं कि ऑफलाइन एग्जाम है, बोले कि 5 मिनट और दे दिए, कोई नहीं देने वाला, बंद हो जाएगा एग्जाम, तो नहीं होने वाला। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए। थोड़े से मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, कोशिश कीजिए कि आसपास से कॉपी मत कीजिए, अगर कोई आपका एग्जाम देख रहा है तो उसको मत देखने दीजिए, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ये कभी मत कीजिए। एंड सेकेंड टिप आपके लिए ये है, टाइम पे एग्जाम पे जाइए, कुछ टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। SBI PO आखिरी जॉब नहीं है, इतना सीरियस लोग हो रहे हैं, इतना सीरियस, ठीक है सीरियस होना अच्छी बात है, लेकिन सीरियस होने की वजह से एक लेवल होता है, एक लेवल तक आपका मोटिवेशन हाई रहता है, आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, लेकिन ये लेवल से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको जितना तब उतना भी नहीं कर पाते। तो टेंशन फ्री होके जाइए, अभी पढ़ना शिखना छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए ये सब, अब हो गया जो होना था, आराम से सो जाइए, सुबह एग्जाम देने जाइए। और कहूँगा कि जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है ये फॉलो कीजिए, अभी कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आने नहीं वाले, जीके आने नहीं वाली, तो कुछ भी मत पढ़िए अभी, मैं कहूँगा छोड़ दीजिए सब कुछ और पढ़ने, और सीधा एग्ज़ाम देने जाइए, आराम से जाइए, 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाइए, आराम से वहाँ पे अगर पार्क वार्क बना है तो बैठ जाइए, बातें बातें मारिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, कोशिश कीजिए 60-65 मार्क आप पकड़ के चलिए, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको 80% प्लस रखिए, एक्यूरेसी लो नहीं करना है आपको। ये हो जाता है कई बार कि मेरे साथ वाले ने 80 अटेम्प्ट कर दिए, उसने 85 कर दिए, यार मैंने सिर्फ 60 ही किए हैं, हो सकता है एग्जाम टफ आ जाए और कट ऑफ 50 जाए, तो दूसरों की तरफ मत देखिए, अपना 100% दीजिए और कोशिश कीजिए कि कंपैरिजन इधर उधर मत देखिए, अपना एग्जाम दीजिए और अपना 100% दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, छोड़िए लोगों को। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट कीजिए, मैं आज शाम को बैठ के या कल सुबह बैठ के आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मेंस के लिए अगर आप प्री क्लियर करते हैं, प्री के एग्ज़ाम देने के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ना कभी वेस्ट नहीं होता। अब GK डाइजेस्ट मेरी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें मैं अपना सारे का सारा कंटेंट डालता हूँ फ्री में, तो इंस्टॉल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ये लाल बटन दबाइए सब्सक्रिप्शन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, थैंक यू।